हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके सो गुड मॉर्निंग शालिनी, दीप, गौरी, प्रदीप एंड भूमि। वेरी गुड मॉर्निंग भूमि। भूमि आप क्लास में आई है, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए, एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो आप लोग शेयर करिए, है ना, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लास्ट 4 मंथ का रिवीजन करा रहे हैं, मैराथन क्लास है, तो मैराथन क्लास में ज्यादा बच्चे होने चाहिए ना, लगना चाहिए कि मैराथन क्लास है, क्लास में ज्यादा बच्चे हैं। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड ये आपका SBI क्लर्क, UIIC दोनों के लिए है ना। वेरी गुड मॉर्निंग व्हाइट व्हाइट डक। ओके व्हाइट डक जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दें कि क्लास की जो PDF है, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लास की PDF, क्लास की लिंक और कोई भी अपडेट वगैरह सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, है ना। सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फटाफट से अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर बताइएगा, क्योंकि मैराथन है तो रैपिड फायर की तरह करेंगे, और अप्रोक्स 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। हु हैज लॉन्च्ड द स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क ऑफ ड्रोनिंग प्रिवेंशन इन इंडिया इन दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में भारत में डूबने की रोकथाम का रणनीतिक ढांचा किसने लॉन्च किया, इसका आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग रविकांत, गुड मॉर्निंग प्रशांत, इसका आंसर क्या होगा। दिसंबर 2023 में भारत में डूबने की रोकथाम का रणनीतिक ढांचा किसने लॉन्च किया। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्रोफेसर SP सिंह बाघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इनॉग्रेटेड। आपको बताना है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। वोखा, दीमापुर, तुवेनसांग, कोहिमा, नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्विकली एवरीवन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ओके सो इसका करेक्ट आंसर है कोहिमा, है ना। कोहिमा विल बी द राइट आंसर। वेरी वेल डन शालिनी, सो वेरी वेल डन दीप, वेरी वेल डन गौरी, इसका करेक्ट आंसर है कोहिमा। नेक्स्ट वन इज, इन नवंबर 2023 द 9th एडिशन ऑफ द नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नैटपोलिरिक्स 9th वॉज कंडक्टेड बाई इंडियन कोस्ट गार्ड इन विच स्टेट। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नैटपोलरिक्स 9th के 9वें संस्करण को किस राज्य में आयोजित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर। ओके वेरी गुड, गुजरात इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। नेक्स्ट वन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड दैट द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च इन 2020 विल बी एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी इयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा, इसको कब तक के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ओके 5 ईयर, है ना। सो 5 ईयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली एक्वायर्ड एडिशनल शेयर ऑफ JC फ्लोर एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड टू रिइंस्टेट इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोपोर्शन टू 9.9%। सो उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने इक्विटी शेयर पूंजी अनुपात को 9.9% पर बहाल करने के लिए JC फ्लोर एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अतिरिक्त शेयर हासिल किए हैं, इसका आंसर क्या होगा।
एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईसीआई। ओके वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस बैंक, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द आईनेस दैट हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज। उस भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया। ओके भूमि, कोई बात नहीं, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है वेरी वेल डन। इसका करेक्ट आंसर है आईएनएस सह्याद्री। सो वेरी वेल डन गौरी, शालिनी, दीप एंड प्रदीप। आईएनएस सह्याद्री इज द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग रोशन। विच ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन मुंबई महाराष्ट्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किस संगठन ने हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, नन ऑफ दीज। ओके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड द अप्रूवल ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स दैट अनलॉक्ड बाय व्हाट अमाउंट इन फ्रेश फंडिंग कैपेसिटी ओवर द नेक्स्ट डिकेड फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट इन द एशिया पेसिफिक रीजन। एशियाई विकास बैंक ने पूंजी प्रतिबंध सुधारों को मंजूरी देने की घोषणा की है जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अगले दशकों में कितनी नई फंडिंग क्षमता खुल जाएगी। गुड मॉर्निंग महेंद्र, गुड मॉर्निंग परमार, निकिता, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा। ओके वेरी वेल डन। 100 बिलियन डॉलर इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है 100 बिलियन डॉलर। वेरी वेल डन गौरी। नेक्स्ट वन इज बिहार स्टेट हैज पास्ड द बिहार स्टेट हैज पास्ड द रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कास्टेस फ्रॉम 50% टू हाउ मच परसेंट। बिहार राज्य ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 50% से कितना उन्होंने पारित कर दिया है। ओके 65% इज द राइट आंसर। सो वेरी वेल डन दीप, भूमि, रोशन, वर्षा, प्रदीप, युवराज, शालिनी, निकिता, गौरी, पूनम, वेरी वेल डन एवरीवन। 65% इज द राइट आंसर। हाँ जी, दक्ष को बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली मर्ज्ड विद द नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए रिसेंटली इनमें से कौन सी कंपनी नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हुई है। नाम बताइए इसका क्या होगा। मनी टैप, जेटा, स्लाइस, जीरोधा, इनक्रेड। ओके वेरी वेल डन, स्लाइस इज द राइट आंसर। ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्लाइस। विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड मल्टीपल ऑर्डर वर्थ ₹3,915 करोड़ फॉर द सप्लाई ऑफ वेरियस डिफेंस इक्विपमेंट। हाल ही में किस कंपनी को विभिन्न रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए 3,915 करोड़ रुपए के कई ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नन ऑफ दीज। ओके वेरी वेल डन भूमि। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज द राइट आंसर। एट विच प्लेस मिलान 24 दैट इज मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2024 विल बी होस्टेड बाई द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना मिलान 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, कोलकाता, पुणे। इसका आंसर जल्दी बताइए। ओके वेरी वेल डन एवरीवन। सो सब लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर बता रहे हैं, दैट इज विशाखापट्टनम। सो वेरी वेल डन प्रदीप, युवराज, शालिनी, वर्षा, रोशन, निकिता, गौरी, दीप। ओके वेरी वेल डन, विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। अर्जुन वाजपेयी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू समिट विच ऑफ दीज माउंटेन पीक। अर्जुन वाजपेयी इनमें से किस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं।
लास्ट टाइम आप लोगों ने इसको गलत किया था, आज सही बताइएगा आंसर क्या होगा। ओके वेरी वेल डन, माउंट अन्नपूर्णा है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या है, माउंट अन्नपूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेस एजेंसी इन कंजंक्शन विद नासा पार्टिसिपेटेड इन द ज्वाइंट लॉन्च ऑफ द कैलिप्सो मिशन। नासा के साथ मिलकर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैलिप्सो मिशन के संयुक्त प्रक्षेपण में भाग लिया। इसरो, CNES, रॉसकॉस्मोस, CNSA, नन ऑफ दीज। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CNES। नेक्स्ट वन इज WHO declares loneliness a pressing global health threat. Which of the following is not a member of the International Commission on Loneliness? WHO ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन अकेलेपन पर अंतरराष्ट्रीय आयोग का सदस्य नहीं है। विवेक मूर्ति, चिडो मपेब्बा, अयुको काचो, मनसुख एल मंजाविया, संजय लाल। इसका आंसर क्या होगा। ओके वेरी वेल डन, मनसुख मंजाविया जी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर एंड नॉन कस्टमर। सो किस बैंक ने अपने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए, मतलब जो इस बैंक के कस्टमर नहीं है, उनके लिए सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का ऑनलाइन आवंटन शुरू किया है। इसका आंसर क्या होगा। ओके वेरी वेल डन, इंडियन ओवरसीज बैंक इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड द वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान फॉर फाइनेंशियल रिस्क। किस देश ने वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति योजना को लागू किया है। इसका आंसर क्या होगा। पढ़ाया तो था थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को ये, इसका करेक्ट आंसर है चाइना, है ना, चाइना इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन वर्षा, वेरी वेल डन गौरी। सो इसका करेक्ट आंसर है चाइना, थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड फेज टू ऑफ द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन स्कीम फ्रॉम 21 सितंबर टू 10 नवंबर। इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी पीयूष जी, आप बिल्कुल आ चुके हैं, आप अकेले आए, आपको कम से कम 10-12 लोगों को साथ में लेकर आना चाहिए था। कोई भी अकेले क्लास में नहीं आएगा, 10-12 लोगों को साथ में लेके आना है। ठीक है बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई एम सो हैप्पी टूडे, पता है क्यों, क्योंकि भूमि के बहुत सारे आंसर आज सही हो रहे हैं। धीरे धीरे भूमि को अब समझ में आने लगा है। वेरी वेल डन भूमि, ऐसे आप एफर्ट करते रहिए एंड एक दिन आप भी सबकी तरह सही आंसर बताने लगेंगी सभी क्वेश्चन का, है ना। इस टाइम कौन सा नवरात्र चल रहा है। ओके चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2023 द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द प्रपोज्ड एक्विजिशन बाय एटलस 2022 होल्डिंग लिमिटेड टू इंक्रीज इट्स वोटिंग राइट्स शेयर होल्डिंग इन वोडाफोन ग्रुप प्लेक फ्रॉम हाउ मच परसेंट फ्रॉम लेस देन 25%। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14.6%। वेरी वेल डन गौरी, वेरी वेल डन दीप। सो 14.6% इज द राइट आंसर। विच कंपनी होस्टेड द इंडिया टेक इकोसिस्टम समिट इन नवंबर 2023। सो नवंबर 2023 में किस कंपनी ने इंडिया टेक इकोसिस्टम समिट की मेजबानी की। टाटा टेक्नोलॉजीज, सैमसंग, HCL, इंटेल, नन ऑफ दीज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नवंबर 2023 में किस कंपनी ने इंडिया टेक इकोसिस्टम समिट की मेजबानी की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटेल, है ना, इंटेल इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द रिसिपिएंट ऑफ द 2023 यूनेस्को कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस अवार्डेड एट यूनेस्को। यूनेस्को में दिए गए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए 2023 यूनेस्को कलिंग पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है।
हु इज द रिसिपेंट ऑफ द 2023 यूनेस्को कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस अवॉर्डेड एट यूनेस्को। ओके सो इसका करेक्ट आंसर है अना मारियो सेटो, है ना, अना मारियो सेटो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड साथी टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज एट ऑल सेंटर फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 आवर पर डे इन फिक्स्ड आउटलेट। उस बैंक का नाम बताइए जिसने साथी को लॉन्च किया है, जिससे सभी सेंटर पर मिनिमम 4 घंटे का, है ना, क्या किया जाएगा यहाँ पर, बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके इसका करेक्ट आंसर है इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन प्रदीप, वेरी वेल डन गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीपक गुप्ता टूक ओवर एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। दीपक गुप्ता जी को कौन सी बैंक का इंटरिम एमडी और सीईओ बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके कोटिक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोटिक महिंद्रा बैंक। हु ऑथर द बुक नेशन कॉलिंग होलिस्टिक अप्रोच फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सब भूल गए, बहुत अच्छा काम किया, इसका मतलब रिविजन नहीं करते हैं आप लोग। चलिए इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक नेशन कॉलिंग होलिस्टिक अप्रोच फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लेखक कौन है? ओके सोनल गोयल इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी वेल डन, सोनल गोयल इज द राइट आंसर। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन टू प्रमोट वीमेन लेड इंटरप्राइजेस इन इंडिया। भारत के किस वित्तीय संस्थान या फिर नियामक निकाय ने हाल ही में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, सिडबी इज द राइट आंसर। दैट इज अ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिडबी। नेक्स्ट वन इज विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन गेट्स प्लैटिनम सर्टिफिकेशन फ्रॉम आईजीबीसी दैट इज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इन विच स्टेट इज विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन लोकेटेड? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी द्वारा से प्लैटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? ओके वेरी गुड, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द डेयरी सेक्टर। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, झारखंड। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द डेयरी सेक्टर। ओके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असम इज द राइट आंसर। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? ये जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है ये किससे रिलेटेड है? इट इज अ यूनिक पोर्टल फॉर लिंकिंग आधार विद पैन डेटा, अ नेशनल मेडिकल रजिस्टर विच विल सर्व एज द सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी फॉर डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, एन ऑनलाइन गवर्नेंस मॉड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, अ प्लेटफॉर्म टू चेंज डिटेल्स रिलेटेड टू राशन कार्ड लिंक्ड टू बीपीएल फैमिलीज। ओके वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इट इज अ नेशनल मेडिकल रजिस्टर विच विल सर्व एज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी फॉर डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज नेम द रशियन बैंक विच बिकेम द फर्स्ट टू रजिस्टर विद द सेबी एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फॉर अ कैटेगरी 1 FPI लाइसेंस।
इसका आंसर क्या होगा? उस रशियन बैंक का नाम बताइए जिसने एफपीआई लाइसेंस के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में सेबी के साथ पंजीकरण करने वाला पहला बैंक बन गया है। वेरी गुड, इस बार बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 2023 रिट्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप 2023-24 एंड कर्मवीर चक्र मेडल प्रेजेंटेड एट द विच एडिशन ऑफ द एनुअल आरईएक्स कॉन्क्लेव। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12th, है ना? 12th विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हैज रिसेंटली क्लियर द मर्जर ऑफ एयर इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में एयर इंडिया के निम्नलिखित में से किसके साथ विलय को मंजूरी दे दी है? अच्छा, 10 बताने के बाद प्लस 2 कर दिया है ना, 10 + 2 इज इक्वल टू 12। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विस्तारा, है ना? वेरी वेलकम प्रदीप, प्रशांत, वर्षा, इनसाइड मोमेंट्स, दीप। सो इसका करेक्ट आंसर है विस्तारा। नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या होगा? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दीपेश नंदा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दीपेश नंदा इज द राइट आंसर। एट विच इवेंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज इनॉग्रेटेड स्टील पेवेलियन। आपको बताना है इस्पात मंत्रालय के सचिव ने किस कार्यक्रम में स्टील पेवेलियन का उद्घाटन किया है? एट विच इवेंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज इनॉग्रेटेड स्टील पेविलियन। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। सो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इज द राइट आंसर। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर ज्वाइंस इंडियाज मोस्ट इम्पैक्टफुल टेक इवेंट डेट, इट विल हेल्ड एट विच प्लेस। डेट का मतलब क्या है? डिजिटल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो। ठीक है, तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने इंडिया का जो मोस्ट इम्पैक्टफुल इवेंट है डेट दैट इज डिजिटल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? डेट माने तारीख। अच्छा, एक दूसरी डेट भी होती है ना आप लोगों की, अभी इस टाइम बहुत ज्यादा वो डेट वर्ड सुनने को मिलता है, ये जो फालतू सा एक वीक चल रहा है इसमें डेट वेट बहुत कॉमन हो गया है, एक तो वो भी डेट होता है आप लोगों का, बट यहाँ पर डेट का मतलब कुछ और है। चलिए इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। हाँ देखिए, भूमि को पता है, भूमि बता रही है, यस मैम। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। एग्जाम डेट, हाँ एग्जाम डेट का वेट हम लोग बहुत बेसब्री से करते हैं। हाँ डेट मीन्स खजूर, हाँ डेट मीन्स खजूर भी होता है, बहुत वेराइटी ऑफ डेट्स होते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? आरईसी साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन टेलीकॉम आईटी एंड रेलवे सिग्नलिंग। सो आरईसी ने दूर संचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? रिजल्ट का भी डेट होता है, बिल्कुल, एग्जाम का डेट होता है, रिजल्ट का डेट होता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेलटेल, है ना? रेलटेल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव द सेकेंड टाइप सर्टिफिकेट फॉर मीडियम कैटेगरी ड्रोन फ्रॉम दी डीजीसीए। सो हाल ही में किस कंपनी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मध्यम श्रेणी के ड्रोन के लिए दूसरे प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी वेल जन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, है ना? सो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज री इलेक्टेड फॉर अ थर्ड टर्म इन द न्यू जर्सी सीनेट इन द 11th कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट। 11वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में न्यू जर्सी सीनेट में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे फिर से चुना गया? बेटे 9 बजे बताया था तो 9 बजे ही स्टार्ट किया,
आप लेट आए हैं, लेट लतीफ, हमेशा लेट आते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। हु वॉज री इलेक्टेड फॉर अ थर्ड टर्म इन द न्यू जर्सी सीनेट इन द 11th कॉन्ग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसका करेक्ट आंसर है विन गोपाल। ठीक है, विन गोपाल इज द राइट आंसर। विच मिशन एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। किस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। लड्डू गोपाल के भाई। सही पकड़े हैं, विन गोपाल लड्डू गोपाल के भाई। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा, और आप लेट आते हैं, इट नेवर हर्ट्स ना, उससे आपको बुरा नहीं लगता है कि मैं लेट जाता हूँ क्लास में? लेट जाता हूँ मतलब लेट से ही क्लास में एंट्री करते हैं, वो वाला लेटना नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, है ना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द गोल ऑफ द लीप अहेड इनिशिएटिव। लीप अहेड इनिशिएटिव का गोल क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द गोल ऑफ द लीप अहेड इनिशिएटिव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव में है क्या, टू हेल्प स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश अ प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड आइडेंटिफाई कस्टमर सेगमेंट, है ना, स्टार्टअप को उत्पाद बाजार में फिट स्थापित करना और जो कस्टमर का सेगमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना। ठीक है, टू एक्सिलरेट द सक्सेस ऑफ टेक स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया, तो पूरे भारत में जो तकनीकी स्टार्टअप है ना, उसकी सफलता को तेजी लाना, उसकी सफलता में तेजी लाना। और टू प्रोवाइड फंडिंग एंड मेंटोरशिप टू स्टार्टअप इन द स्केलिंग स्टेज, तो जो भी स्टार्टअप होते हैं उनके जो शुरुआती स्टेज होते हैं ना, तो स्केलिंग स्टेज होता है वहां पर स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड करना और उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करना, तो ये सभी होगा, है ना, ऑल ऑफ द एबव होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट हैज वन द 75th इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इन वीमेन्स डबल्स इवेंट। किस राज्य ने महिला युगल स्पर्धा में 75th इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 को जीता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सागर परिक्रमा प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला फ्रॉम चेन्नई। आपको पता है सागर परिक्रमा पढ़ने के बाद मैं आपको बताने जा रही थी कि सागर परिक्रमा क्या होता है, फिर मुझे याद आया कि यहाँ पर तो पूछा ही है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी वेल डन, इसका करेक्ट आंसर है टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द फिशरमैन। एक्चुअली हमारा जो फिशरी सेक्टर है ना, उसको डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब यहाँ पर जो भी चैलेंजेस जो मछुआरे लोग हैं, जो फिशरमैन लोग हैं, उनको इसके थ्रू क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उनको प्रॉपरली सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली हमारे फिशरीज सेक्टर को और बेटर करने के लिए सागर परिक्रमा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द एनएसडीसी। एनएसडीसी क्या होता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टू लॉन्च द सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम अंडर द स्किल इंडिया इनिशिएटिव। हाँ है ना, सागर माला, उसको हम बोलते हैं सागर माला। ओके वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है कोका कोला इंडिया, है ना, कोका कोला इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच हैज ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स ऑन पोषण भी पढ़ाई भी। किसने पोषण भी पढ़ाई भी पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के लिए दो ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पर्वतमाला स्कीम ये रोपवे के लिए है ना, पर्वतमाला स्कीम ये रोपवे के लिए, और एक भारतमाला है वो हाईवे के लिए। ठीक है, तीन माला है, पर्वतमाला, सागरमाला और भारतमाला। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट पार्टनर्स इन नजफी 100 मिलियन लर्नर्स ग्लोबल इनिशिएटिव। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान नजफी 100 मिलियन लर्नर्स ग्लोबल इनिशिएटिव में भागीदार है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर मॉनिटरिंग ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट WDC 2.0 विद डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस DOLR? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भूमि संसाधन विभाग DOLR के साथ एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास घटक WDC 2.0 की निगरानी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आंसर इसका क्या होगा? ओके, NRSC इज द राइट आंसर। नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द इंडस्ट्रीज फर्स्ट डिजिटल पेमेंट वाया व्हाट्सएप एंड UPI। उस जीवन बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से उद्योग का पहला डिजिटल भुगतान पेश किया? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भारती एग्जा, ICICI, बजाज अलायंस। ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली प्रिपेयर्ड द ग्लोबल ट्रेंड्स इन चाइल्ड मॉनिटरी पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस रिपोर्ट विद द की फाइंडिंग दैट चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर 52.5% ऑफ द टोटल एक्सट्रीमली पुअर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार बाल मौद्रिक गरीबी में वैश्विक रुझान रिपोर्ट तैयार की है जिसमें प्रमुख निष्कर्ष निकाला गया है कि विश्व में कुल अत्यंत गरीब जनसंख्या 52.5% बच्चे हैं? ओके, इसका करेक्ट आंसर है बोथ टू एंड थ्री, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बाय द RPF इन नवंबर 2023। नवंबर 2023 में RPF ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते को लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नन्हे फरिश्ते क्यों लॉन्च किया गया था? बहुत ही जल्द आ जाएगा, मे बी आज भी आ सकता है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में आएगा। इसका आंसर क्या? वैसे जहां तक है नेक्स्ट वीक में ही आएगा। वेरी वेल जन, इसका करेक्ट आंसर है रेस्क्यूइंग चिल्ड्रन फ्रॉम द ट्रैफिकर्स, है ना, बच्चों को तस्करों से बचाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है नन्हे फरिश्ते का। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू RBI's फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट द राइट ऑफ टू ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टूड एट 45.6% इन फाइनेंशियल ईयर 23। द राइट ऑफ टू ग्रॉस NPA रेशियो ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक वॉज 33.3% इन राइट ऑफ लोन्स आर ट्रांसफर टू द ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड। इसका आंसर क्या होगा? आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जय माता दी। अच्छा चलिए, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली सी, ठीक है, ओनली सी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द NPCI टू इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ लिंकिंग इट्स रुपे क्रेडिट कार्ड टू UPI। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ लिंकिंग इट्स रुपे क्रेडिट कार्ड टू UPI, मतलब UPI से रुपे क्रेडिट कार्ड को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर जल्दी बताइए। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ ट्राइपार्टाइट पीस एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट टू एस्टैब्लिश परमानेंट पीस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर क्या होगा? ओके, मणिपुर इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मणिपुर।
नेक्स्ट वन इज हु हैज लॉन्च द सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल टू फैसिलिटेट द सबमिशन ऑफ द वैलिड क्लेम्स बाय जेन्युइन डिपॉजिटर ऑफ द सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी वेल डन, अमित शाह इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह। नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज द एवियोनिक्स एक्सपो 2023 इनॉग्रेटेड। एवियोनिक्स एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। वेयर वॉज द एवियोनिक्स एक्सपो 2023 इनॉग्रेटेड? ओके न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। Who has expanded its partnership with Standard Bank Group to centralize its custody and securities settlement operation in over 15 market? किसने 15 से अधिक बाजारों में अपनी अभिरक्षा और प्रतिभूतियों के निपटान कार्यों को केंद्रीकृत करने के लिए स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया? इसका आंसर क्या होगा? TCS, Infosys, IBM, Wipro, none of these. ओके ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14, 15, 16, 17, 18 नवंबर। इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, 16th नवंबर इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है 16th नवंबर। Which among the following has wins the Golden Peacock Award for Excellence in Corporate Governance 2023? इनमें से किसने Corporate Governance 2023 में उत्कृष्टता के लिए Golden Peacock पुरस्कार जीता है? Okay, HDFC Life is the right answer. Very well done. Next question is what is the type of cancer that next CAR-19 has been approved for treatment in India? भारत में किस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए next CAR-19 को मंजूरी दी गई है? लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बी सेल लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर, नन ऑफ दीज। ओके बी सेल लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। Who has signed a memorandum of understanding with Airbus to establish a maintenance, repair and overhaul facility for the A320 family of aircraft in Nashik, Maharashtra? Nashik, Maharashtra में A320 परिवार के विमानों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने के लिए Airbus के साथ किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी वेल डन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नीना वेंकटेश हैज वन अ गोल्ड मेडल एट द 37th नेशनल गेम, व्हिच स्पोर्ट इवेंट डस सी प्ले? नीना वेंकटेश ने 37th राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, वो कौन सा खेल प्रतियोगिता खेलती है? आंसर बताइए क्या होगा? रोइंग, स्कीइंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रेसलिंग। ओके वेरी वेल डन, स्विमिंग इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक फॉर वेरियस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज? हाल ही में किस कंपनी ने विभिन्न सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन सेवाओं के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके वेरी वेल डन, सो आरईसी लिमिटेड इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आरईसी लिमिटेड। ऑन विच डे इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे? आप लोगों का दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15th नवंबर, 16th नवंबर, 17, 18, 19। ओके सेवन, बताइए, अपना दिन नहीं पता है ना कि खुद का दिन किस दिन आता है, किस दिन हम लोग स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, गलत गलत बता रहे हैं। चलिए 17th नवंबर इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन प्रदीप।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया एंड बांग्लादेश कमिट्स टू द 11th एडिशन ऑफ द एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन उमरॉय मेघालय। इसका आंसर क्या होगा? भारत और बांग्लादेश ने उमरॉय मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम क्या है उसका, जिसका 11th एडिशन इन्होंने शुरू किया। ओके, वेरी वेल डन संप्रीति, इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है संप्रीति। हाँ, ये आपका दिन नहीं है, आपका दिन तो आएगा 14th फरवरी को ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 10, 40, 30, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, 40 इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च द लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम एंड अपग्रेडेड नालसा हेल्पलाइन, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और उन्नत नालसा हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अर्जुन मेघवाल, डीवाई चंद्रचूड़, अरुण मिश्रा। हु हैज लॉन्च लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम एंड अपग्रेडेड नालसा हेल्पलाइन? ओके, वेरी गुड, डीवाई चंद्रचूड़ इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है डीवाई चंद्रचूड़। विच स्टेट्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट्स हैज बीन अनवेल्ड एट द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, मसूरी। सिविल सेवकों के लिए किस राज्य के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी में अनावरण किया गया? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर, ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। बेटा सरस्वती पूजा भी मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, और आपने बोला स्टूडेंट डे आपका नहीं है, तो वो डे भी आपका नहीं हुआ है ना, दूसरा वाला डे हुआ आपका। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑन विच डे इज इंटरनेशनल स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड। चलिए ये क्वेश्चन फिर से आएगा, जब तक सही आंसर नहीं बताएंगे तब तक आएगा, 17th ऑफ नवम्बर, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पर, विच रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कोलेबरेटेड विद द एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया टू एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस ऑडिट स्टैंडर्ड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की किस नियामक संस्था ने हाल ही में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं प्रदाताओं के लिए प्रदर्शन लेखा परीक्षा मानक स्थापित करने के लिए एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर, ओके, सेबी इज द राइट आंसर, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन इंडियन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? इसका आंसर, ओके, वेरी वेल डन, डायना इडुलजी इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डायना इडुलजी। ये क्यों आता है नाम, और आप में से कुछ महान लोग ये नाम बताएंगे भी, रश्मिका मंधाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विष्णु देव साई हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। विष्णु देव साई को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? वेरी गुड, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। चलिए बोनस क्वेश्चन, आज सुबह से एक भी नहीं मिला आपको, झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? हाँ एग्जैक्टली, स्मृति मंधाना की वजह से। चलिए बताइए झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? चंपाई सोरेन, ओके, वेरी वेल डन। वर्षा प्रदीप, अतुल बहुत मारेंगे, क्या लिखा है आपने, पढ़िए उसको एक बार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ड्यूरिंग द 63rd सेशन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर हेल्ड एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के 63वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? ओके, इसका करेक्ट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, है ना, जी सी मुर्मू जी इज द राइट आंसर।
अवार्ड द मिनिस्ट्री सॉरी नॉट हु व्हाट अवार्ड हैज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसीव्ड फॉर इट्स परफॉर्मेंस इन द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अपने प्रदर्शन के लिए आयुष मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला है? वेरी गुड मॉर्निंग राष्ट्रीय शुभ चिंतक, मेरी इच्छा सबको शिक्षा जी को। वेरी गुड मॉर्निंग, इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड मेडल, है ना? गोल्ड मेडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द रिनोन्ड बिजनेसमैन सुब्रत रॉय एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 75। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विच कंपनी? ये तो पता ही है ना? बचपन में ये जिस कंपनी के फाउंडर है, इस कंपनी का नाम घर में हम लोग बहुत सुनते थे। एक इसका भी एक दौर हुआ करता था, है ना? बचपन में आप लोगों ने घर में ये नाम जरूर सुना होगा। आपका सहारा चला गया, ओ माय गॉड। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सहारा इंडिया परिवार, है ना? बचपन में आप लोगों ने सुना होगा घर पे, ये सहारा नाम घर पे बचपन में बहुत सुनने को मिलता था, इनका एक दौर था पूरा। चलिए, अब हम आते हैं, बहुत लोगों को जॉब दिया था इन्होंने, मतलब बहुत ही ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड किया था। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैटबॉट लॉन्च्ड बाय मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद हाईली इंटरैक्टिव एंड रियल टाइम सर्विसेज? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्राहकों को अत्यधिक इंटरैक्टिव और वास्तविक समय सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? सहारा आपका चला गया और पैसा मेरा डूब गया। बेटा, आपका सहारा गया, दैट मींस आपका पैसा डूबा है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो जाएंगे कहाँ से? आप ही बोले मेरा सहारा चला गया, तो आप ही का पैसा था यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर ही मिली, है ना? मिली इज दी राइट आंसर। वेरी वेल डन एवरीवन, वेरी वेल डन गौरी, शीतल, वर्षा, दीप, प्रशांत, पूनम, प्रदीप। ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आईआईटी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एयरबस टू फैसिलिटेट इंक्रीज्ड कोलेब्रेशन इन डेवलपिंग एजुकेशन प्रोग्राम? किस आईआईटी ने विकासशील शिक्षा कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने के लिए एयरबस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी कानपुर, है ना? सो आईआईटी कानपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023 अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरी वेल डन, इनहैंसिंग डिजिटल आउटरीच फॉर गवर्नमेंट कंपेन्स, है ना? सरकारी अभियानों के लिए डिजिटल आउटरीच बढ़ाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। हु डायरेक्टेड द फिल्म ड्रिफ्ट विच वन द आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? इसका आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग झांसी, बहुत लेट आई हैं आप। इसका आंसर, ओके, वेरी वेल डन, एंथोनी चेन इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है एंथोनी चेन। वेरी वेल डन साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ओके, मित्र शक्ति इज द राइट आंसर। वेरी गुड, मित्र शक्ति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू इक्विप स्टूडेंट्स विद स्किल्स एंड एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजीज? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में छात्रों को कौशल और नई तकनीकों से परिचित कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? टीसीएस, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, टेक महिंद्रा? ओके, इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, है ना? सो माइक्रोसॉफ्ट विल बी दी राइट आंसर। चाइना एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली साइंड टू कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन टू बूस्ट डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस क्राफ्ट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर?
आपको बताना है कि चाइना और कौन से देश ने हाल ही में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष यान विकास और अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण में दो सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजिप्ट, है ना। इजिप्ट इज द राइट आंसर बेटा, मिस्री नहीं है, है ना, मिस्र होता है। आपको भूख लग गई भूमि? हाँ, आज आपने बहुत देर तक पढ़ाई कर ली, जाइए आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बैंक्स एंड एनबीएफसीज हैव बीन डायरेक्टेड बाय आरबीआई टू रिलीज प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स विद इन 30 डेज ऑफ सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन इज दे हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड टू रिमूव चार्जेस रजिस्टर्ड विद एनी रजिस्ट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आफ्टर फुल रिपेमेंट और सेटलमेंट ऑफ द लोन अकाउंट। इफ द रेगुलेटेड एंटिटी इज टू ब्लेम फॉर द डिले, इट मस्ट पे द बोरोवर द कंपेंसेशन ऑफ 2000 फॉर ईच डे ऑफ द डिले। इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए एंड बी। यहाँ पर 2000 की जगह 5000 होगा, है ना, यहाँ पर 2000 की जगह क्या होगा, 5000 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ वेरी वेल डन, इनसाइड मोमेंट्स ने करेक्ट आंसर बताया है। अ रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट नोन एज पेंटेड बैट हैज बीन स्पॉटेड इन पराली बोडल विलेज ऑफ कांगेर वैली नेशनल पार्क इन जनवरी 2023। कांगेर वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? आपको बताना है जनवरी 2023 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में पेंटेड बैट के रूप में जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओके, इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। किसी ने नहीं बताया छत्तीसगढ़। ओके, वेरी वेल डन वर्षा, उषा, साधना, पूनम, वेरी गुड, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एनईओ नियो फॉर बिजनेस, अ डिस्टिंक्टिव वन स्टॉप ट्रांजेक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए एक विशिष्ट वन स्टॉप ट्रांजेक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म नियो फॉर बिजनेस को लॉन्च किया है? मैंने, अच्छा आपने बताया, मुझे लगा आप बोल रही हैं मैंने मैंने लॉन्च किया। ओके, इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक्सिस बैंक। कॉपी पेस्ट चल रहा है यहाँ पर सबका आंसर देख के और तुरंत डिलीट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारती ग्रुप एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट विथ इट्स ज्वाइंट वेंचर पार्टनर एक्सा टू एक्वायर हाउ मच परसेंट ऑफ इट्स स्टेक इन भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय समूह ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी का कितना परसेंट अधिग्रहण करने के लिए अपने संयुक्त उद्यम भागीदार एक्सा के साथ एक बाध्यकारी समझौता किया? गुड मॉर्निंग अभिषेक यादव जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है 49%। ठीक है, सो 49% विल बी दी राइट आंसर। वेयर वॉज द सिक्स्थ एनएसए लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हेल्ड? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी एनएसए स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? कोलंबो श्रीलंका, पोर्ट लुइस मॉरिसस, न्यू दिल्ली इंडिया, ढाका बांग्लादेश, नन ऑफ दीज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, पोर्ट लुइस मॉरिशस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड अ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट विद इटलीज वेगा कंपोजिटर्स टू एस्टैब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फैसिलिटी इन द डिफेंस कॉरिडोर इन तमिलनाडु? हाल ही में किस कंपनी ने तमिलनाडु में रक्षा गलियारे में विनिर्माण और डिजाइन सुविधा स्थापित करने के लिए इटली की वेगा कंपोजिट्स के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर जल्दी बताइए। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है मर्लिन हॉक एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी? ईएसआईसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ईएसआईसी? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ईएसआईसी? ओके, वेरी गुड, राजेंद्र कुमार इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र कुमार। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स अवार्डेड बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म इन नेशनल फिल्म अवार्ड 2023? सो निम्नलिखित में से किस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म से सम्मानित किया गया, मतलब
बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म। ओके सो इसका करेक्ट आंसर है लुकिंग फॉर चालान, है ना, लुकिंग फॉर चालान इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? स्टीफन किंग, सलमान रुशिद, अरुंधति रॉय, खुशवंत सिंह, ए पालकी, पालकी वाला, पालकी वाला, पालकी ले लो, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ इसलिए तो मैराथन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर है सलमान रुशिद, सलमान रुशिद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल लीगल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th ऑफ नवंबर, नालसा केम इनटू फोर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, नालसा निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? ओके सो इसका करेक्ट आंसर है 1995, ठीक है 1995 इज द राइट आंसर। हु वर्चुअली एड्रेस द प्री इवेंट समिट बायोटेक्नोलॉजी द पाथ ऑफ इनोवेशन एंड वेलनेस फॉर विकसित भारत? आगे की लाइन भी आप ही गाएंगे, वो आपके लिए गाना सूट करेगा। प्री इवेंट शिखर सम्मेलन जैव प्रौद्योगिकी विकसित भारत के लिए नवाचार और कल्याण का मार्ग को किसने वस्तुतः संबोधित किया? ओके सो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, है ना, डॉक्टर मनसुख मंडाविया इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन प्रतीक्षा, प्रतीक्षा ने करेक्ट आंसर बताया है। रिनोन्ड गुजराती फोटो जर्नलिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी जावेरी लाल दालपत्रम मेहता पास्ड अवे इन नवंबर 2023, इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन? प्रसिद्ध गुजराती फोटो जर्नलिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार विजेता जावेरी लाल दालपत्रम मेहता का नवंबर 2023 में निधन हो गया, इन्हें कौन से ईयर में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ओके वेरी वेल डन, 2018 इज द राइट आंसर। मुझे ये बताइए अभी रिसेंटली 3 नए लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का अनाउंसमेंट किया गया है, ये 3 नया नाम कौन सा है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? आंसर बताइए, तब तक आते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांच ऑफ द न्यूली क्रिएटेड नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड? नवनिर्मित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के नए लॉन्च किए गए भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड का उद्देश्य क्या है? नहीं, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी के बाद 3 नए नाम अनाउंस किए गए हैं। चलिए एक तो हमें स्वामीनाथन हो गया, वेरी वेल डन, पीवी नरसिम्हा राव हो गया, वेरी वेल डन, चौधरी चरण सिंह, ओके वेरी गुड। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, टू बूस्ट द प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम्स द 95th मेंबर ऑफ द आईएसए, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस? सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95th मेंबर कौन बना है? ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिली, है ना, चिली इज द राइट आंसर। ये बताइए नाटो में अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री को अप्रूवल मिला है कि वो नाटो का मेंबर बन सकते हैं आफ्टर फिनलैंड? फिनलैंड के बाद किसको ये अप्रूवल मिला है कि वो नाटो का नया मेंबर बन सकते हैं? आंसर बताइए जल्दी। तुर्की पार्लियामेंट ने इनको अप्रूवल दे दिया है कि आप नाटो का मेंबर बन सकते हैं, स्वीडन, वेरी वेल डन दी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन और पर्सन्स वर क्राउंड एज द फास्टेस्ट एथलीट ऑफ द 37th नेशनल गेम? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या फिर व्यक्तियों को 37वें राष्ट्रीय खेल के सबसे तेज एथलीट का ताज पहनाया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, बोथ 1 एंड 2, दैट इज वीके इलाकिया दासन एंड SS स्नेहा इज द राइट आंसर। इन द एशियन गेम्स लोवलिना बोरगोहेन लॉस्ट टू ली कियान एंड फिनिश्ड विथ अ सिल्वर मेडल, विच नेशन डज ली कियान बिलोंग टू? कहां से बिलोंग करती है? इसका आंसर क्या होगा? ओके चाइना, है ना, चाइना से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट वन इज, सीबीडीटी चेयरमैन इनॉग्रेट्स जीएसटी एंड कस्टम पवेलियन एट 42nd IITF, हु इज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना, सीबीडीटी का फुल फॉर्म है, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। ओके वेरी वेल डन, नितिन गुप्ता इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, नितिन गुप्ता।
नेक्स्ट वन इज हु विल इनॉग्रेट द ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन एट गांधीनगर इन गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? ओके वेरी गुड, जगदीप धनखड़ जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत हैज रिसेंटली बीन ऑन द न्यूज, अंडर विच प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड। गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस सूरत हाल ही में खबरों में है, इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? इसका आंसर बताइए क्या होगा। पांच क्वेश्चन बचे हैं, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके वेरी वेल जन, प्रोजेक्ट 15B इज द राइट आंसर। एनवीडिया वर्ल्ड लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग ज्वाइंस हैंड्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू बिल्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग में विश्व की अग्रणी कंपनी एनवीडिया ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया? ओके रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑक्सिलरी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस सेक्टर दैट हैज रिसेंटली इंडक्टेड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ मैंडेरिन ट्रेन्ड ऑफिसर टू सपोर्ट द रेगुलर आर्मीज एफर्ट टू इनहेंस एक्सपर्टाइज इन द चाइनीज लैंग्वेज। सो उस सहायक सैन्य संगठन रक्षा क्षेत्र का नाम बताइए जिसने हाल ही में चीनी भाषा में विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए नियमित सेना के प्रयासों का समर्थन करने के लिए मंदारिन प्रशिक्षित अधिकारियों के अपने पहले बैच को शामिल किया। बिल्कुल, आप ही ने तो शेयर किया, उनसे बोला था कि जब क्लास एंड होने लगेगा तब आप लोग आ जाना है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा। ओके इसका करेक्ट आंसर है टेरिटोरियल आर्मी। सो यहाँ पर 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया एंड आई रियली होप सो कि आउट ऑफ 100 आप लोगों के 80+ मार्क्स तो आ रहे होंगे, है ना। मुझे जल्दी से बताइए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया मैम टेस्ट ग्रुप। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। एंड अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस, टेक केयर। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।